कभी कभी तेल मसालों वाला खाना खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो ऐसे में बनाइए ये रेसिपी जो बनेगी सिर्फ 2 चम्मच तेल से, और खाने में तो बहुत ही यमी है और बनाने में उतनी ही आसान है और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पड़ेगी दही, दही से हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 1 कप दही लिया है एक बर्तन में, और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन। आपकी जितनी फैमिली हो उतना आप डालिएगा, मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ उसके लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक रनी बैटर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बहुत स्मूथ सा बैटर बनेगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी तो उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर हम बनाएंगे। ये देखिए, ये रेसिपी जितना खाने में टेस्टी है उतना ईजी है और बहुत झटपट बन भी जाती है। और कढ़ाई को रख दिया है गैस पे, और उसमें डाला है 1 चम्मच तेल, 1 बड़े चम्मच तेल है ये, बहुत ज़्यादा तेल नहीं है। इसमें डाला है सबसे पहले मेथी डालेंगे 1 टीस्पून, और साथ में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, और उसमें जो हमने बैटर घोल तैयार किया था उसका छौंक लगा देंगे। ये देखिए, और सारा बर्तन धो के छौंक लगा दिया। ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाला है, मैं दिखाना छूट गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें 3 हरी मिर्च और 3 से 4 कली लहसुन के हैं, उसको मिक्सर में चला लिया था। उसके बाद उसमें डाल देंगे नमक डाल के, उसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। उसी कटोरी में मैंने लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन के, साथ में डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल के, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा पानी डाल के थोड़ा थिक बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बहुत थिक होना चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ऐसा ही बैटर चाहिए था। इधर कढ़ी जो है उबलने लगी है, अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ी में हम मोछी झारेंगे। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, इसे हम मोछी वाली कढ़ी बोलते हैं। तो ये एक हम छनौटा लेंगे, और उसमें बैटर को रखते जाएंगे ऊपर, और चम्मच से दबाते जाएंगे या हाथ से आप दबाते जाइए, बहुत आसानी से इसमें ये झरने लगता है। ऐसे हम सारी मोछी झार लेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो। नहीं पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट में जो भी कमियां हो उसे आप लिख सकते हैं, और आके लिख दीजिएगा कि क्या कमी है, तो मैं अगली वीडियो में उसे और अच्छे से बताऊंगी। और जहां ना समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बताऊंगी आपको। इस तरह हम सारी मोछी झार लेंगे। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो के लिए। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी डली वाली हींग भिगो के रखी थी, उसको भी इसी में मैंने डाल दिया है। हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेट के लिए हींग बहुत अच्छी होती है और डाइजेशन इससे सही रहता है। ये देखिए, ये मोछी झारने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 8 से 10 मिनट इसको लो टू हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे चलाते हुए, और इसको नीचे हम पेनी में लगने नहीं देंगे, नहीं तो कढ़ी हमारी ख़राब हो जाएगी, टेस्ट इसका ख़राब आने लगेगा। ये देखिए, 7 से 8 मिनट बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल पक सी गई है। अब क्या करेंगे, इसी टाइम पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। चलिए इसमें लगाते हैं एक छोटू सा तड़का। अब तड़का नहीं भी लगाएंगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी। ये लिया है 1/2 चम्मच तेल, उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, और इसमें 2 लाल मिर्च है। आप जीरा राई का भी यूज कर सकती हैं, यहाँ पे आप करी लिप्स भी डाल सकती हैं, और उसका हम इसमें तड़का लगा देंगे। ये देखिए, मैंने उसमें तड़का लगा दिया है। अब सर्व करेंगे इसको हम चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छी जाती है फ्रेंड, बहुत अच्छी लगती है। और कम से कम तेल में बना हुआ ये खाना है जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ में इसमें दही।